आ जाएगा। सुभान अल्लाह मीलादे पाक की रूहानी विजदानी कैफियात से भरपूर नबी करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार सरकार मदीना की खास आनाइतों से लबरेज महफिल में आप मौजूद सरकार की करम से फैजियाब सरकार की अनायतों से अपनी झोलियों को भर रहे वाले करीम की ये करम है सरकार करीम का ये फजल है कि उन्होंने हम सबको ये मौका अदा किया कि हम मिल बैठे और उस रहमत आलम की बारगाह में इल्तमास करने वालों को मदद बयान करने वालों की मदद सुने और ये वो अमल है ये वो अंदाज है जो मेरे आका सैयद कौनैन मदनी ताजदार कभी मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में आप तशरीफ फरमा होते थे मेरे आका के सहाबा बैठे होते थे आसान नाक पढ़ रहे होते थे और मेरे आका फरमा रहे होते थे अपने सहाबा को सहाबा सुनो सुनो आसान क्या कह रहा है। ये आज की बात नहीं आज का 14वीं सदी का मौलवी कहता है कि ये महफिल मीलाद का इत्माम ये 14वीं सदी की ईजाद है ना भाई ना ये आज या कल की बात नहीं ये मेरे आका सैयद कौनैन की अपनी सुन्नत है हम वो अमल कर रहे हैं जो मेरे आका सैयद कौनैन की इत्तबा में है। आका की मदद सुनना नबी करीम की तारीफ सुनना नबी करीम की तौसीफ सुनना नबी करीम का तज़किरा सुनना मेरे आका की मदद और खवास का जिक्र सुनना मेरे आका की खूबियाँ सुनना मेरे आका की सीरत और किरदार की बात सुनना मेरे आका के कमालात की बात सुनना ये आज की बात नहीं आज के मौलवियों या नाथ खानों की याद नहीं बल्कि ये मेरे आका सैयद कौनैन की अपनी सुन्नत है। मेरे आका की बारगाह में आसान तशरीफ फरमा होते और वो मेरे आका की मदद बयान कर रहे होते मेरे आका न सिर्फ खुद सुनते बल्कि सहाबा को भी मुतवज्जो फरमाते कि सहाबा सुनो हसन क्या कह रहा है। दोस्ताने करामी आज उसी अदीब हस्ती की बारगाह में हदिया तबरीज पेश करने के लिए हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए इश्को मोहब्बत के मोती निछावर करने के लिए हम इकट्ठी हुई है। अगरचे वो अजीम लोग थे वो सहाबी किस मकाम के लोग थे मेरे आका का क्या मकाम था वो आसान किस दर्जे का आदमी था उनके तो पांव की धूल भी नहीं हो सकते लेकिन बात यह है कि उनकी सुन्नत तो अदा कर रही है मौला करीम उनकी सुन्नत का सदका हमारे गुनाह माफ फरमा देगा और हम पे करम फरमाएगा क्योंकि हम जिस नबी की बारगाह में तबरीक पेश करने के लिए मदद पेश करने के लिए हाजिर हुए वो किसी आम नबी की बात नहीं वो उस नबी की बात है जो इस सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है जिसका वजूद मसूद कायनात के लिए रहमतों का माखिज मंबा है जिसकी वजूद की वजह से कायनात रहमत के नाम से मुतारफ हुई कायनात में मेरे आगा की आमद से पहले रहमत नाम की चीज कोई नहीं थी वो जुल्मों बर्बरियत तंगी तुलसी तकलीफ जबर जुलम हर चीज मौजूद थी। मेरे आका मदीना की मक्का की जमीन पे कदम रंजा फरमाते हैं जमीन पे तशरीफ लाते हैं गुलामों के साथ जुलम किया जाता है उनके साथ उनकी बसात से ज्यादा काम लिया जाता है बेटियों को जिंदा दरबोर कर दिया जाता है उस माशरे में गरीब को मजीद दबाया जाता है जालिम और सफाक लोग अपनी बर्दरी कैम रख
रखने के लिए गरीबों को हमेशा दस्ते नजर रखना पसंद करते हैं। उस माशरे में वो नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ लाए, वो आका करीम तशरीफ लाए, जिनको रब्बे कायनात ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। मेरे आका का आना था, मेरे आका का कलम रंजा फरमाना था कि जुल्म बरबरीत के तमाम बुत पाश पाश हो गए। सबसे बड़ा कुफर और जुल्म जबर का जो चश्मा था वो कैसे ने रूम की सल्तनत थी। सबसे बड़ी सल्तनतों में ईरान की सल्तनत थी, लेकिन जब मेरे आका जमीन पे तशरीफ लाए आपके कदम रंजा फरमाने के बाद वो जुल्म जबर के सारे बुत पाश पाश हो गए। वहाँ पे क्या होता था, गुलामों से जबर और जुल्म किया जाता था, उनको उनसे उनकी बसात से ज्यादा खिदमत ली जाती थी, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। वहाँ पे काले और गोरे की तफरीक थी, वहाँ पे अरबी और अजमी की तफरीक थी, वहाँ पे कुरैश जो थे वो अपने आप को अना अरबी कह के अना कुरैशी कह के दूसरों से अफजल जानते थे। वहाँ पे रंग नस्ल की दौड़ थी, वहाँ पे जबान की दौड़ थी, वहाँ पे हजाज और गैर हजाज के रहने वालों के साथ मुख्तलिफ तफरीक बरती जाती थी। वहाँ पे अरब का रहने वाला अपने आप को आला समझता था और साउथ अफ्रीका का रहने वाला निजस और कमजोर और घटिया मखलूक समझा जाता था। लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका की आमद पे, मेरे आका ने इंसानियत के लिए वो खूबसूरत असूल बनाया जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। मेरे आका ने फरमाया आदम मिट्टी से बना था, आदम मिट्टी से बने थे। आप सब लोग आदम की औलाद हो और इसलिए सब बराबर, किसी काले को गोरे पे, किसी गोरे को काले पे कोई बर्तरी हासिल नहीं। हाँ अगर कोई बड़ा है तो वो तकवे के लिहाज से है। दोस्ताने गरामी, ये वो इंसानियत की बराबरी का असूल मेरे आका सैयद कौनैन मदनी ताजदार ने मदीना की सरजमी पे फरमाया, जो जिसकी अकासी इकबाल के इस शेर ने की, एक सफ में खड़े हो गए महमूदों का यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा निवास। अल्लाह अल्लाह, देखो उस जमीन पे जहाँ पे कुरैश के सरदार में थे अब्दुल रहमान बिन औफ भी है, अबू बकर सद्दीक भी है, उस्मान गनी भी है, अली करम नवजल करीम भी है, जहाँ पे खालिद बिन वलीद भी है, जिनमें साद बिन नबी वकास भी है, तलाव जुबैर भी है। लेकिन जब बिरादरी की बात होती है तो उसी सब में बिलाल हबशी खड़ा है, उसी सब में सुलेमान फारसी खड़ा है, उसी में अरब का कोई शहजादा सैयदना अबू बकर सदीक खड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे आका ने वो यूनिवर्सल कानून कायनात में मुसल्लत फरमा दिया कि आज के बाद किसी को काला या गोरा होने की वजह से, नस्बी बर्तरी की वजह से कोई अजमत हासिल नहीं है। इसीलिए जब तकवे की दौड़ आती है तो सलमान फारसी आगे बढ़ जाते हैं, सब अरब के शहजादे उन्हें सैयदना सलमान फारसी कह के पुकारते हैं, और वो आला हस्ती वाला वो अजीम नबी जो मक्का की सरजमी पे बनु हाशिम की उस अजीम खानदान में जलवा अफरोज हुए, वो फरमाते हैं कि सलमान मेरी आग में से है। वो सलमान जिसके हसब नसब से कोई वाकिफ नहीं, जो फारस का रहने वाला है, जो इस जमीन पे आया तो अरब की ज़बान भी नहीं जानता था, उसको मेरे आका फरमाते हैं कि सलमान मेरी आल में सी है। सलमान इस मकाम पे पहुंचता है कि तरीकत का सरदार बन के उभरता है। सैयदना सलमान फारसी आप तरीकत की जब शजरा को देखते हैं तो हजरत अबू बकर सद्दीक का फैज जब आगे बढ़ता है तो सलमान फारसी की बारगाह से हो
होके आगे हजरत जाफर सादिक तक पहुंचता है, फिर छोटे बड़े की तमीज खत्म हो जाती है, फिर तकवा हमेशा के लिए एक बढ़तरी का एक इम्तियाज का सबब बन जाता है। ये मेरे आका करीम सिजदे कौनैन का तोहफा ये इम्तियाज है मेरे आका कि वो अदीब और सुनहरी और बेहतरीन कायनात के आसूल बनाए, जिन पे चलते हुए ये दिन शाम की सल्तनत फतह होती है। हजूर सैयदना उमर फारूक वहाँ के अनाने हुकूमत संभालने के लिए चार्ज संभालने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक आका है, एक गुलाम है, घोड़ा एक ही है। जब बारी बारी सवार होते हैं, कभी सैयदना उमर फारूक सवार होते हैं, कभी उनका गुलाम सवार होता है, बारी बदलती रहती है, पूरा सफर तय होता चला जाता है। पूरे सलेबी ईसाई मेरे आका सैयदना उमर फारूक के इंतजार में है कि वो मुसलमानों का अजीम अमीरुल मोमिनीन देखे, जिसने 25,000 मील का रकबा अपने सर नगू कर दिया है, जिसका कोड़ा इतना सख्त है कि यहाँ पे खालिद बिन वलीद और उमर बिन नास जैसे अजीम और सालार भी उनके नाम से जिनके जो कामते हैं, वो कमाल वाली शख्सियत कैसी होगी, उसका जलाल कैसा होगा, उसकी अजमत कैसी होगी, उसका लहो लश्कर कैसा होगा। लेकिन जब देखते हैं कि सामने ईसाई भी खड़े हैं, वहाँ के मुसलमानों की फौज भी खड़ी है, लेकिन सामने से कौन आ रहा है, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन आ रहा है। अमीरुल मोमिनीन किस हाल में है, एक ऐसा कुर्ता पहना हुआ है जिसके ऊपर चमड़े के तैमंद लगे हुए हैं, और वो 25,000 मील का हुक्मरान इस हालत में वहाँ पे जा रहा है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो गुलाम अर्ज करता है कि अमीरुल मोमिनीन ईसाइयों के सामने जाना है, बारी तो मेरी है, लेकिन आप सवार हो जाएं ताकि उन्हें पता तो चले कि अमीरुल मोमिनीन घोड़े पे सवार है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हमें जिस नबी ने मबूस फरमाया है उसने ये बराबरी का कानून दिया है कि हम हमारी अजमत इसमें नहीं है कि मैं घोड़े पे सवार हूँ और तुम नकेल पकड़ो, बल्कि मेरी अजमत इसमें है कि मैं अपनी बारी पे इंसाफ बरतूं। इसलिए अमीर अल-मोमिनीन ने नकेल पकड़ी होती है और गुलाम जो है वो घोड़े पे सवार होता है। ईसाई पूछते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा खलीफा कौन सा है, ऊपर जो सवार है वो तुम्हारा खलीफा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा खलीफा वो है जिसके हाथ में बाग है, जिसके हाथ में नकेल है, जिसके हाथ में रस्सी है, वो ऊपर जो बैठा हुआ है वो अमीरुल मोमिनीन का गुलाम है। तकबीर।